आइए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आप सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं कि क्या भारत में एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स आप रख सकते हैं और क्या एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट रखना चाहिए आपको, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या नुकसान हैं, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं तो आपको क्या क्या बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है और कौन कौन सी बातें आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में हम जानते हैं डिटेल के साथ। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि क्या एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट आप रख सकते हैं इंडिया में, और क्या ये पूरी तरीके से भारत में लीगल है, क्योंकि लीगल होना ज़रूरी है। अगर ये बात इलीगल हुई तो डेफिनेटली आप यहाँ पर खतरे में पड़ सकते हैं। तो ये हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या भारत में एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट रखना लीगल है। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण सा जवाब है कि जी हाँ, इसका आंसर यस है और आप एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स इंडिया में रख सकते हैं और इस पर किसी तरीके के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नंबर ऑफ अकाउंट्स में आप ये बिल्कुल कर सकते हैं और ये लीगल भी है। हाँ, यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको इग्नोर नहीं करना है, वो ये कि आप एक ही ब्रोकर के पास ये दोनों अकाउंट या तीनों अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। एक ब्रोकर के पास आप केवल एक ही डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यूं कहें कि एक पैन नंबर पे आप एक ब्रोकर के साथ एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि पैन नंबर के थ्रू ही डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है और आपका पैन नंबर एक ही रहता है, इसीलिए आप एक ही डीमैट अकाउंट एक ब्रोकर के पास ओपन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि एक से ज्यादा जो लोग डीमैट अकाउंट्स रखते हैं उन्हें क्या बेनिफिट मिल सकता है या फिर उन्हें क्या नुकसान मिल सकता है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। और एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट जिनके पास भी हैं उन्हें ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो यहां पर सवाल उठता है एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट रखने के, वो यहां पर यही उठता है कि क्या ये लीगल है एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट रखना। जैसा हमने आपको बताया तो एब्सोल्युटली ये लीगल है एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स रखना, बट कुछ कंडीशंस हैं। जैसा हमने आपको बताया कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स या फिर मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स सेम डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, मतलब कि सेम ब्रोकर के साथ आप नहीं कर सकते। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट्स और डीमैट अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर के पास। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर आप बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। उसका नुकसान क्या है कि एवरी डीमैट अकाउंट्स विल अट्रैक्ट चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, मतलब कि एएमसी, और आपको हर ब्रोकर के पास ये एएमसी देना पड़ सकता है। और इस एएमसी के चार्जेस कई बार तो 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक भी होते हैं। इसीलिए जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराएं ये चार्जेस जरूर मालूम कर लें कि एएमसी चार्जेस कितने देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने 10 डीमैट अकाउंट ओपन करा लिए और 1000 रुपए करके हर डीमैट अकाउंट का चार्ज देना पड़ा तो साल का 10,000 रुपए आपका ऐसे ही चला जाएगा। जबकि साल का 10,000 रुपए अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल दें तो डेफिनेटली आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, लेकिन ये पैसा आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा, एएमसी जरूर मालूम कर लीजिएगा कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं उस ब्रोकर के, तभी आप दूसरा डीमैट अकाउंट या तीसरा डीमैट अकाउंट ओपन कराएं। अच्छा, मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स रखने के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नुकसान ही है बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और वो बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप दोनों ही तरीके से काम करते हैं, मतलब कि आप ट्रेडर भी हैं और आप इन्वेस्टर भी हैं और आप स्टॉक मार्केट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स रखने के बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेम रखते हैं तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टॉक्स को मैनेज करने में, आप सेग्रीगेट नहीं कर पाते, इसीलिए आप जो है अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अलग अलग रखना चाहते हैं तो आप एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कराएं, और एक से ज्यादा दो या तीन डीमैट अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो भारत के सबसे अच्छे डीमैट अकाउंट्स और ब्रोकर्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप जाकर अभी ही अपना दूसरा या तीसरा डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कराएं। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। बाय ओपनिंग मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स यू गेट द सर्विसेज ऑफ डिफरेंट ब्रोकर्स, एवरी ब्रोकर इज डिफरेंट इन इटसेल्फ एंड देयर सर्विसेज विल वैरी फ्रॉम ईच अदर, हाउएवर विद मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स यू गेट एक्सेस टू वैरायटी ऑफ ब्रोकरेज एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, अ रेंज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स, वैरायटी ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एटसेट्रा। तो इसका बेनिफिट एक ये भी देखने को मिलता है कि अलग अलग ब्रोकर्स जो है अलग अलग तरीके के सर्विसेज देते हैं, अलग अलग तरीके से उनका रिसर्च रिपोर्ट रहता है, इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कई बार रिसर्च रिपोर्ट अगर आप अलग अलग ब्रोकर्स की बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है, इसीलिए अच्छे और ट्रस्टेड ब्रोकर्स के साथ ही अपना दूसरा या तीसरा डीमैट अकाउंट ओपन कराएं।
वाइल ओपनिंग मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स यू मस्ट मेक श्योर दैट यू डू नॉट कीप इट अनयूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड. दिस इज बिकॉज अनयूज्ड डीमैट अकाउंट्स हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्रोजन. टू रीएक्टिवेट इट विल नीड टू कंप्लीट योर ई केवाईसी अगेन. तो याद रखिएगा, अगर आप 3 महीने या 6 महीने से ज्यादा उस डीमैट अकाउंट को काम नहीं करते तो वो डोरमेंट अकाउंट बन जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है. उसके बाद अगर आप उसमें काम करना चाहते हैं तो नए जो अपडेट्स हैं सेबी की तरफ से वो यही है कि आपको दोबारा फिर से उसकी केवाईसी करनी पड़ेगी, तभी आप उस डीमैट अकाउंट को यूज कर पाएंगे. अदरवाइज आप उस डीमैट अकाउंट को यूज नहीं कर पाएंगे. तो कभी कभार उस डीमैट अकाउंट पे घूम फिर लिया कीजिए. अगर आपके पास 2-3 डीमैट अकाउंट्स हैं तो बिल्कुल ही आइडल, उसको मत छोड़िए. इसके अलावा देयर इज नो रिक्वायरमेंट्स टू ओपन मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स अलोंग विद मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स. अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन करने की जरूरत नहीं है. मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स आपको अगर चाहिए तो नो रिक्वायरमेंट्स टू ओपन मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स. एक ही डीमैट अकाउंट के साथ मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं. इट इज वेरी सेफ टू कीप योर शेयर्स विद स्टॉक ब्रोकर्स व्हेन यू हैव मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स. द स्टॉक ब्रोकर्स और डीपीज हैव नो कंट्रोल इवन योर होल्डिंग्स इन द डीमैट अकाउंट्स. इन फैक्ट योर शेयर्स कैप इन द डीमैट अकाउंट्स आर हेल्ड विद द डिपॉजिटरी. एट प्रेजेंट देयर आर 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL जिसे कहते हैं, और दूसरा है आपका CDSL. तो याद रखिएगा कि अगर आप अलग अलग ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं या फिर एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कार्वी जैसे अगर केस सामने आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कार्वी के टाइम पर जो जिन लोगों ने 2-2 डीमैट अकाउंट्स या 3-3 डीमैट अकाउंट्स ओपन करा के रखे तो उन्हें बड़ा बेनिफिट रहा, क्योंकि उनके कार्वी के वजह से बहुत टाइम तक वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दूसरे डीमैट अकाउंट से वो ट्रेड कर पा रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर पा रहे थे. इसीलिए अगर आप अलग अलग डीमैट अकाउंट्स ओपन कराते हैं और एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स रखते हैं तो कई बार उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी भी केस से वो ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाए या किसी भी केस से उस ब्रोकर पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप दूसरे ब्रोकर के साथ अपना काम जारी रख सकते हैं. इसीलिए बैकअप के तौर पर आपको एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स ओपन करा लेने चाहिए. यू मस्ट रेगुलरली मॉनिटर द मॉनिटरी बिकॉज मॉनिटरी बैलेंस एंड ट्रांजेक्शंस कैरिड आउट इन दी मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स. लेकिन इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, आजकल आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे हैकिंग के केसेस देखने को मिले हैं, बहुत सारे हैकर्स ने बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स को खाली कर दिया है. इसीलिए आप हमेशा अपने डीमैट अकाउंट्स के लेजर को टाइम टू टाइम जरूर चेक किया कीजिए कि कहाँ पर कोई अनफेयर चीज़ देखने को तो नहीं मिल रही. ऐसा तो नहीं कि कोई चार्जेस देखने को मिल रहे हैं या कोई स्टॉक आपका खरीदा गया बेचा गया और आपको खबर ही नहीं उसकी. इसीलिए इन सब बातों को ख्याल जरूर रखिए और हमेशा उसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कराइए जो मार्केट में अच्छा है, मार्केट में वैल्यू करता है, मार्केट में उसकी कोई रेपो है. अदरवाइज ऐसे वैसे डीमैट अकाउंट्स ओपन मत कराइए, उससे थोड़ा सा सावधान रहिए. और एक अच्छे ब्रोकर के साथ अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो ये अच्छी बात है, और जैसा हमने बताया कि पूरी तरीके से लीगल भी है. ये कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ देखिए हर चीज के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते ही हैं. तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हमने आपके साथ शेयर किए, इस पर पूरी तरीके से आपने देखा और समझा. और आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि डीमैट अकाउंट मल्टीपल ओपन कराने चाहिए या फिर मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराने चाहिए. हमारे केस में हमने एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कराया हुआ है क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारा थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन कभी कभार ट्रेडिंग भी करते हैं, इसीलिए हमने मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स ओपन कराया हुआ है. और कई बार IPOs अप्लाई करने में भी काफी हेल्पफुल रहता है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को आसानी से पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए. मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज में. थैंक यू सो मच.